हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजाता आपको स्वागत करती हूँ मेरा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन की करी। चिकन बनाने के लिए मैं इधर 2 केजी चिकन लिया हूँ, 4 मीडियम साइज का प्याज, 4 मीडियम साइज का टमाटो। मैंने इधर अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट बना दिया हूँ, थोड़ा सा दही, कुछ साबुत मसाले, कुछ मिर्ची को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ओके, और कुछ धनिया पत्ता ली हूँ। मैंने इधर लिया है आलू, आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अभी मैंने पैन ले लिया हूँ, अभी हम तेल डाल लेंगे। अभी तेल को थोड़ा हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अभी हम साबुत मसाला डाल लेंगे, मिर्ची हम डाल लेंगे, प्याज डाल लेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम फ्राई करना है प्याज की कलर आने तक। हम इधर और एक पैन ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अभी हम आलू को फ्राई कर लेंगे। हमारा प्याज अभी फ्राई हो गया है। अभी हम अदरक लहसुन जीरा की पेस्ट को डाल देंगे। अच्छे से थोड़ा उसको मिला देंगे। इसमें अभी हम हल्दी डाल देंगे। धनिया पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर को डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। हम अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मसाला को पकने देंगे। थोड़ा खाएंगे उसको हम इसे पका लेंगे। अभी हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। नमक डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी नरम हो जाता है।
देखिए मसाला का कलर भी आ रही है धीरे धीरे, पूरी तरह से नहीं आएंगे, धीरे धीरे आ रही है। कुछ इस तरह से हम पकाएंगे और थोड़ा देर तक। उस टाइम हम उसको छोड़ देंगे, उस टाइम में इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे। लो फ्लेम में थोड़ा रख देंगे। अभी हम दही को डाल लेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम मीडियम आंच में 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अभी हम थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे और चिकन मसाला भी थोड़ा सा डाल देंगे। मसाला हो गया है, अभी हम चिकन को डाल देंगे। देखिए चिकन को मैंने 7 से 8 मिनट तक पका लिए हैं। अभी तेल भी छोड़ चुका है चिकन को। अभी हम इसमें हमारा फ्राई किया आलू रख के उसमें डाल लेंगे। अभी हमारा चिकन लगभग हो गया है। अभी हम इसमें पानी दे देंगे, आपको कितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से उतना ही पानी डाल देंगे। आपका हिसाब से आप पानी दीजिए, आपको कितना ग्रेवी चाहिए। अभी हम उसको थोड़ा हाई फ्लेम कर देंगे और उसको छोड़ देंगे। इसको हम हाई फ्लेम में थोड़ा देर पका लेंगे, बाद में हम उसको मीडियम कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन करी अभी हो चुका है। इसमें लास्ट में हम थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा चिकन मसाला डाल देंगे। थोड़ा उसको मिक्स
कर लेंगे। और लास्ट में हम धनिया पत्ता डाल देंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।